उनका अंदर में जो गुरु जी का प्रति जो निष्ठा है, हैं, कहते गुरु जी का प्रति इनका जो निष्ठा बड़ी दृढ़ निष्ठा था। इसलिए हम सवेरे सुन रहे थे, गुरुदेव जैसे हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे हम लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते हैं, उसी तरह जो प्रभुपाद प्रभु जी अंदर में आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम तो एक तो यदि ढूंगे जाओ, एक तो भीतर ढूंगे जाओ, खाटर भीतर है। नहीं, ये जो हिंदी भाषी है ना, इनको थोड़ी सी सर के जाओ, थोड़ी सी हरे कृष्ण और था इधर सर के जाओ, अब यहाँ बैठे ठीक वही बैठे। इसलिए कहते श्री गुरुदेव, हैं, कहते गुरुदेव बस कथा सुनो, हमारे गुरुदेव जैसे हम भगवान के नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण हरे नाम जप करते थे, हमारे गुरुदेव उसी तरह जप करते थे, गुरु जी का नाम जप करते थे। इसलिए हर समय गुरुदेव हा प्रभुपाद, कहाँ थे तुम लोग? इसलिए हमारे जो गुरुदेव हर समय प्रभुपाद का नाम जपा करते थे, हा प्रभुपाद हा प्रभुपाद हा प्रभुपाद बोल करके हर समय प्रभुपाद 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 हर समय प्रभुपाद का नाम जपा करते थे, हैं। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे, क्योंकि जब तक गुरु जी की कृपा नहीं हो ना, तब तक भगवान का कृपा नहीं हो सकता है। अगर गुरु जी की कृपा हमारे ऊपर हो गई, भगवान अपनी आप हमारे ऊपर में कृपा कर देते। इसलिए हम कल सुन रहे थे, आज सुन रहे थे, मेरे गुरुदेव कहते थे, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जब भगवान राम आए तभी मैं भी आया हुआ हूँ, तभी मैं आया हुआ हूँ, जब कृष्ण आए तभी मैं था, कृष्णा कीड़े मकोड़े पेड़ पौधा रूप में कृष्णा किसी रूप में था तब, लेकिन था जगत में, जब चैतन्य महाप्रभु आए तब भी हम थे, चैतन्य महाप्रभु आए तब भी हम थे, हैं, कई पेड़ पौधा बनकर थे होंगे, इंसान बनकर के, हैं, जब सड़गो स्वामी आए तभी भी हम थे, सब थे, लेकिन हम जैसे पापी को ऊपर में किसने कृपा नहीं की, अगर कृपा की तो हमारे ऊपर में किसने कृपा की, भले हमारा ऊपर श्री गुरुदेव ने कृपा की है, जो संसार से हमें निकालने वाले हैं श्री गुरुदेव हैं। इसलिए कहते सबसे ज्यादा जो हम ऋणी हैं जगत में, सबसे ज्यादा जो ऋणी है किसको पास में ऋणी है, श्री कहते गुरु जी को पास में हम सब समय ऋणी हैं। वो कहते थे अगर गुरु जी को हमने भगवान को नहीं देखा, कृष्ण को राम को किसी ने नहीं देखा, हमने गुरुदेव को देखा, अगर गुरु जी हमारे ऊपर संतुष्ट हो गए ना, हमारी कोई क्रिया से अगर हमारे ऊपर गुरु जी अगर संतुष्ट हो गए, वो कहते थे मैं समझता हूँ भगवान हमारे ऊपर खुश हो गए, ठाकुर जी हमारे ऊपर में ठाकुर जी खुश हो गए, अगर हमारे ऊपर गुरु जी खुश नहीं हो तो हमारे ऊपर कोई भी खुश नहीं। इसलिए हमारे गुरुदेव हर समय हा प्रभुपाद हा प्रभुपाद हा प्रभुपाद बोल करके हर समय गुरुदेव इनका नाम लिया करते थे, हर समय इनकी नाम जपा करते थे गुरुदेव, हैं। और इनके अंदर में विशेष करके एक जो भगवत विश्वास है, कहते छह तरह का शरणागति है, छह तरह का शरणागति है, हैं। पहला नंबर है भक्ति की अनुकूल वस्तु को ग्रहण करनी चाहिए, भक्ति की प्रतिकूल वस्तु को त्याग देनी चाहिए, भगवान के चरण में संपूर्ण शरणागति हो जानी चाहिए, और ये विश्वास करनी चाहिए ठाकुर जी जरूर हमें रक्षा करेंगे, और ये विश्वास होनी चाहिए ठाकुर जी जरूर हमें पालन भी करने वाले हैं।
क्योंकि दिन भर उनकी भक्ति उनका भजन करते हैं, पालन करेंगे तो ठाकुर जी। और हमारी अंदर में जो छठवां शरणागति है, अपने अंदर में दीनता रहनी चाहिए। सबसे छोटे हम हैं और जगत में हमसे सबके सब बड़े हैं, और सबसे छोटे हम ही सबसे छोटे हैं। दासानुदास, हम दासों का हम दास है। और जितने जगत में जीव है ये सबके सब भगवान की संतान है, इसलिए सबको जथा योग्य सम्मान दो, सबको जथा योग्य सम्मान देनी चाहिए। उसमें एक शरणागति है, भगवान जरूर हमें पालन करेंगे, ठाकुर जरूर हमें, जब वो चिट्ठी से लेकर के हाथी को भी ठाकुर जी पालन करते हैं, एक चिट्ठी से लेकर हाथी को भी पालन करते हैं, क्या हमें पालन नहीं करेंगे? जो भजन एकदम नहीं करते ठाकुर, उनको भी पालन करते हैं। हम तो उनका दिन भर भगवान का नाम लेते हैं, भक्ति करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम दिन भर उनका भजन करते हैं, कहते हम क्या हमें वो पालन नहीं करेंगे? कहते ये हमारी पूर्ण विश्वास ठाकुर के प्रति रहनी चाहिए। ये चीज हमारी गुरु जी के अंदर में हमने देखा है। बोले कैसे? बोले एक समय जैसे जन्माष्टमी है, आपको पता होगा जन्माष्टमी में कितने धूम धाम में हर व्यक्ति जन्माष्टमी पालन करते हैं, और जो दूसरे दिन क्या करते हैं, नंद महोत्सव होता है, और नंद महोत्सव में क्या करता है, तो पीछे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए नंद महोत्सव में बड़े धूमधाम से नंद महोत्सव में उत्सव होता है, हर मंदिर में नंद महोत्सव में उत्सव करते हैं, जोर जबरदस्ती। अभी गुरुदेव ने सबको निमंत्रण दे दिए, कृष्ण जन्मोत्सव हो रहे हैं, दूसरे दिन नंद महोत्सव में क्या करते, सब भक्तों को बुला करके, हाँ हजार हजार लोगों को बुला करके प्रसाद खिलाते हैं। गुरुदेव ने सबको निमंत्रण दे दिया, बोले सबके सब नंद महोत्सव में प्रसाद बना। लेकिन जो शिष्य लोग थे वो बड़े चिंता में पड़ गए, बोले कहते नंद उत्सव में सबको निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन कुछ तो है नहीं उनके लिए, दाल सब्जी घी तेल नमक मिर्च मसाला सब चाहिए ना। आपका घर में अगर दो चार कोई मेहमान आ जाए ना, घर में दो चार मेहमान आ जाए, बुद्धि खराब हो जाता है, कैसे खिलाएंगे, क्या करेंगे, घर में सारे सामान है कि नहीं? और जहाँ पर हजार हजार लोग आएंगे और इतने लोग प्रसाद पाएंगे, कितने चिंता है। अभी शिष्य लोग कह रहे हैं, बोले गुरुदेव आप इतने सारे लोगों को निमंत्रण दे दिया है, लेकिन घर में तो कुछ है ही नहीं, घर में तो कुछ है ही नहीं, फिर उनको खिलाएंगे क्या? तो गुरु जी कहते हैं देखो उत्सव किसका, हम कहते हैं ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कहते हैं ना हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कहते जी ये उत्सव है, किसके उत्सव है? कहते कृष्ण जन्म उत्सव है, कृष्ण की जन्म उत्सव है। जब कृष्ण की जन्म उत्सव हम कर रहे हैं, तो कृष्ण की जन्म उत्सव में हम क्यों चिंता करेंगे? चिंता करने वाले तो राधा रानी है, इसलिए श्याम सुंदर का उत्सव होगा उसमें तो कौन चिंता करेगा, राधा रानी चिंता करेगी, क्यों? उनका प्रियतम का उत्सव है, कृष्ण का उत्सव। और राधा रानी कौन है? कहते राधा रानी सर्व लक्ष्मीमयी श्री राधा रानी, सर्व लक्ष्मीमयी राधा रानी, जिनकी एक कृपा कटाक्ष हो जाए ना, इसलिए कहते मुनिन्द्र बिंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सुनु संगति कदा करी शशी कृपा कटाक्ष भाजनम मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते। इसलिए कहते जो श्रीमती राधा रानी वो सर्व लक्ष्मीमयी राधा रानी है,
इसलिए कृष्ण का उत्सव होगा, नंद उत्सव होगा कृष्ण का। पर हम क्यों चिंता करेंगे, हम तो केवल थोड़ी सी चेष्टा कर सकते हैं, लेकिन चिंता हमारी नहीं, चिंता तो राधा रानी चिंता करेगी। उनका प्रियतम का कहते उनका प्रियतम का उनकी स्वामिन की कैसे सेवा हुई, तुम तो इसको हिला हिला करके हिला मत, चुपचाप बैठो। इसलिए वो चिंता तो राधा रानी करेगी, पर हम क्यों चिंता करेंगे। सचमुच से इतने लोगों का उत्सव की उत्सव हुई, बोले कोई चिंता मत कर, राधा रानी सब व्यवस्था करेंगे। हमारा केवल एक कदम बढ़ाओ तो ठाकुर सौ कदम बढ़ाते हैं। सचमुच से ठीक उत्सव से एक दिन पहले हैं, उत्सव से एक दिन पहले पता नहीं कहां से इतने दाल चीनी चावल घी हैं, एक व्यक्ति ट्रक में रख करके हैं, इतने सारे सामान को ला करके देख रहे गया। बोले कृष्ण जन्म, बोले आपने क्यों देख रहे गए, बोले आप जन्मोत्सव होगा ना, कृष्ण का जन्म उत्सव होगा ना, ये जन्म उत्सव में इस सब चीज को लगाना, इसका उत्सव करना। लेकिन मंदिर में जितने ब्रह्मचारी बड़े चिंतित है, ये बड़े चिंतित है, इतना कहां से क्या होगा। लेकिन बस गुरुदेव ने कहा देख लिया, तुम लोग इतना चिंता कर रहे थे, इसलिए तुमको चिंता करने का जरूरत नहीं, चिंता तो राधा रानी करेगी है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अनन्य चिंतन तमाम जजनहा परजुबासते तेसांग नित्याभियुक्ता नाम जोगाख्यम बहामि अहम। कृष्ण ये बात कहते हैं, जो व्यक्ति अनन्य रूप में, अनन्य मतलब न अन्य, मुझे छोड़ करके, जो व्यक्ति मुझे छोड़ करके और किसी की चिंता नहीं करता है, उसके लिए मैं दो काम करता हूँ। क्या करता हूँ, घर में जो चीज नहीं सर पर रख करके पहुंचाता हूँ, और घर में जो चीज है मैं स्वयं एक चौकीदार बन करके वो चीज को मैं रखा करता हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं, इसलिए मेरे जो गुरुजी है ना, मेरे जो गुरुजी, आप देखना हमारे दूसरे और जितने मंदिर में जाना, और हमारे गुरुजी की मठ में जाकर के देखना, जो ठाकुर की जो सेवा है ना, बढ़िया से बढ़िया हमारे गुरुदेव के मंदिर में। इसलिए गुरुदेव कहते थे चिंता मत करो, मंदिर चलने के लिए कोई चिंता मत करो, मंदिर हम नहीं चला रहे हैं, मंदिर तो ठाकुर जी चलाते हैं। वो स्वयं लक्ष्मीपति है और उनकी प्रिया राधा रानी साक्षात लक्ष्मी, इसलिए चिंता मत करो मंदिर कैसे चलेगा, वो कहते थे। लेकिन केवल एक चीज की चिंता करो। बोले किस चीज की चिंता करो, बोले उनकी सेवा हम कैसे अच्छे तरह से कर सकते हैं। इसलिए हमारे गुरु जी के मठ में देखना, ठाकुर जी को जो सेवा है ना, सबसे ज्यादा जो ध्यान देते हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए, सबसे ज्यादा चिंता उनके ठाकुर जी की सेवा के लिए देते हैं। कौन थे गौ सेठी, इसलिए सबसे ज्यादा जो ध्यान देते ठाकुर जी की सेवा कैसे अच्छे तरह से हो, उनका प्रसाद कैसे अच्छे तरह हो, उनका श्रृंगार कैसे अच्छे तरह से हो, उनकी मंदिर की सेवा पूजा कैसे अच्छे तरह से हो, केवल एक चीज की ये चिंतन करते हैं और किसी चीज की नहीं। और अब देखना हमारे किसी मंदिर में तेरे कोई बाहर इतना कोई भिक्षा के लिए भी नहीं जाता है, मंदिर में इतना कोई भिक्षा के लिए हमारे गुरु जी के मंदिर में कोई नहीं जाते। लेकिन आप दूसरे मंदिर से देखना, हमारे गुरु जी के मंदिर में ठाकुर जी की जितने सुंदर प्रसाद, जितने सुंदर श्रृंगार, जितने सुंदर उनका सेवा है ना, हमारे गुरु जी के मंदिर में होता है। अभी प्रश्न है वो कहां से इतने सब चीजें आती हैं, कहां से, बोले ठाकुर सब कुछ व्यवस्था करते हैं ठाकुर जी। इसलिए हमारे गुरु जी की, ठाकुर जी के प्रति इतने निष्ठा, इतने विश्वास है, बस अच्छे तरह से ठाकुर को सेवा पूजा करो, ठाकुर सब कुछ चलाएंगे, हवा में अपने आप चलेगी है। अगर हम भी उसी तरह अगर सही सही रूप में भजन करें, सही सही रूप में भक्ति करें ना, फिर ठाकुर जी मंदिर चलाने के लिए कोई ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं। बैठने में दिक्कत हो रही ना, आए हुए हैं। इसलिए कहते मंदिर की जो सेवा है बहुत अच्छे तरह से चलेगी, इसलिए कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। पर इधर आ जाओ,
किसे कहा किसे कहा। इसलिए इसलिए हमारे जो गुरुपाद पद्म हैं, हमारे जो गुरुपाद पद्म कति ये बड़े कड़क थे, बड़े स्ट्रांग थे, हाँ भक्ति के विचार में बड़े कड़क थे, भक्ति विचार में बहुत कड़क थे भक्ति विचार में। इसलिए हमारे मंदिर का कोई ब्रह्मचारी इधर उधर घूमना इधर उधर जाना एकदम गुरुदेव इस चीज को पसंद नहीं करते थे। और हमारे मंदिर से जाकर के दूसरे मंदिर में जाकर के फिर किसी को साथ में मिलना हमारे गुरुजी नहीं दिया करते थे। बोले कारण क्या? बोले कारण है तरह तरह का लोग है, हैं? बाहर जाकर के किसी दूसरे को साथ में मिलेगा फिर उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी, हैं? फिर उसका बुद्धि खराब हो जाएगी फिर इधर उधर भटक। इसलिए हमारे गुरुजी का जो मंदिर में जो सेवक लोग है ना उनको इधर उधर ज्यादा मिलने किसको नहीं देते, क्योंकि जितने लोगों को साथ में बुलाएगा सभी का विचार अलग अलग विचार है फिर उसका बुद्धि भ्रमित हो जाएगा। इसलिए कहीं वो जाने के लिए किसको जाने इधर उधर नहीं दिया करते थे। इसलिए कल हम लोग सुन रहे थे गुरु जी की कुछ उपदेश को सुन रहे थे, हैं? कल गुरु जी की कुछ उपदेश को सुन रहे थे। इसलिए उनकी उपदेश में कल जो सुंदर गोपाल तुम कुछ बोलोगे? हाँ ठीक है, 5 मिनट बाद में तो बोलना कुछ। हम गुरु जी के उपदेश को सुन रहे थे, हमारे गुरु जी कल उपदेश क्या श्रवण कर रहे थे याद है? हम ये सुन रहे थे गुरु जी कह रहे थे जो सदगुरु जो प्राप्त है ये एक बहुत बड़ी भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करता है। जीवन में हमें कहीं सदगुरु की प्राप्त हो ये बहुत बड़ी एक समस्या का विषय भी है और बड़े भाग्य का विषय है सदगुरु प्राप्त होना। लेकिन जीवन में सदगुरु प्राप्त कब होता है? बोले जब तक हम निष्कपट हृदय से हम भगवान को प्रार्थना नहीं करते हैं, हैं? जब तक भगवान किसी जीव को ऊपर में कृपा नहीं करते हैं कद जीवन में हमें सदगुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती है, हैं? नहीं हो सकती है। इसलिए शास्त्र में बताया अगर जीवन में वास्तव रूप में हम सदगुरु प्राप्त हो गया, समझो हमारा भवसागर पार हो गया है, हमारे भवसागर हमारी पार हो गई है, हैं? लेकिन सदगुरु कब प्राप्त होगा? जब हम निष्कपट रूप में ठाकुर जी के चरण में हम प्रार्थना करेंगे तभी जीवन में ये सदगुरु जीव को प्राप्त होता है, हैं? तभी जीव को सदगुरु प्राप्त होता है, भगवत इच्छा से ही ये सदगुरु प्राप्त होता है। तो गुरुदेव कहते हैं, कहते हैं जो सदगुरु जीव को प्राप्त होता है उनका लक्षण भी तो कुछ होनी चाहिए। इसलिए गुरु जी कहते हैं उनके अंदर में विशेष करके सदगुरु में 3 लक्षण दिखनी चाहिए, हैं? उनका अंदर में 3 लक्षण दिखनी चाहिए। पहला जो लक्षण है कहते सर्व शास्त्र का तात्पर्य जैसे उनको पता होनी चाहिए, सारे शास्त्र ग्रंथ में उनकी प्रवेश होनी चाहिए। अगर शास्त्र ग्रंथ में प्रवेश नहीं हो, अगर शिष्यों के मन में जो शंकाएं हैं कि तो शंका दूर नहीं कर सकते हैं, इसलिए सारे शास्त्र विद्य होनी चाहिए। कहते यही सब कुछ नहीं है, नहीं तो जगत में बड़े बड़े सब पंडित बैठे हुए हैं, कितने सारे शास्त्र को जानने वाले बड़े बड़े पंडित बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पंडित ज्ञानी बैठे हुए हैं, क्या कहते गुरु बन जाएंगे? बोले नहीं, जो दूसरा जो गुण है जो उनका जो अंतर लक्षण है स्वरूप लक्षण है क्या है कद भजन परायण होनी चाहिए। ऐसे नहीं केवल दूसरों को उपदेश देने वाले हो, दूसरों को उपदेश देने वाले नहीं हो, कहते अपना जीवन में आचरणशील होनी चाहिए। और उनका अंदर में जो तीसरा जो गुण है कहते जो सांसारिक वस्तुओं से उनकी वैराग्य होनी चाहिए, ये दुनियादारी संसार में कहीं उनकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तभी ये सदगुरु क्या हो सकता है, तभी वो कोई सदगुरु बन सकता है। कहते जब सदगुरु से हम ये मंत्र को प्राप्त करके जब फिर हम भगवत भजन करना शुरू करते हैं फिर धीरे 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 हृदय से हमारी सारी अनर्थ दूर होता है, धीरे धीरे हृदय से हमारी सारे अनर्थ दूर होने लग जाता है। अनर्थ दूर होने पर फिर जा करके फिर भगवत अनुभूति हमें प्राप्त हो सकता है। तब हमारे गुरु जी कहते हैं बोले देखो
गुरु जी को ठगने के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए, गुरु जी को ठगने के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए हैं। कोई अगर सोचे हम कुछ इधर उधर का हाव भाव दिखा करके, हम तो गुरु जी के सबसे बड़े चेले हैं, सबसे बड़े शिष्य हैं, कुछ हाव भाव दिखा करके अगर हम सोचे हम गुरु जी को खुश कर देंगे, हम गुरु जी को खुश कर देंगे, गुरुदेव कहते नहीं, साधारण क्रियाकलाप को द्वारा गुरु जी को तुम खुश नहीं कर सकते हो हैं। गुरुदेव तभी खुश होते हैं केवल एक चीज से, जब तुम निष्कपट होकर के सेवा करोगे, भजन करोगे, तभी इसी चीज से गुरु खुश होते हैं। नहीं तो इस किसी दुनियादारी चीज को द्वारा गुरु कभी प्रसन्न कभी नहीं होते। बाहर में आवाज जा रहे हैं क्या? जा रहे हैं? ठीक। इसलिए गुरुदेव कहते हैं निष्कपट हृदय से गुरु जी की सेवा करनी चाहिए। नहीं तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है, कमर के इस्पात फांकी देवर नाई, ये बंगला में है। इसका मतलब है एक व्यक्ति एक हथियार बनाना चाहता है, हथियार बनाना चाहता है, इसलिए क्या कहते, जो लोहार होता है ना, जो लोहे में अस्त्र बनाता है, एक व्यक्ति ने सोचा उसको हम तो ठग लेंगे। बोले कैसे? बोले उसको हम बढ़िया लोहे दोगे ना, पर बढ़िया अस्त्र बनेगा, अगर गंधा लोहा दोगे तो गंधा अस्त्र बनेगा। उसने क्या किया, सोचा हम ये जो कमार मतलब जो लोहार है इसको अच्छा लोहा नहीं देंगे, उसको एक गंधा लोहा दे देंगे, फिर उसमें जो अस्त्र बनाएगा वो ठग जाएगा। लेकिन उसको पता नहीं चला तुम ही ठग जाओगे। उसने क्या किया, उसको अच्छे लोहे नहीं दे करके एक उसको गंधा लोहा दे दिया, उसने एक हथियार बना दिया। लेकिन जो हथियार बना है लेकिन सही हथियार नहीं, क्यों, लोहे तुमने गड़बड़ी दिया, इसलिए जो हथियार बन गया गड़बड़ी हथियार। जब उसने लकड़ी को काटने के लिए गए ना, उसका जो धार है ना पलट गया, धार खराब हो गई। लेकिन पैसा को पैसा तुम्हारे गया, परिश्रम के परिश्रम गया, लेकिन उसमें ठग गया कौन? बोले तुम स्वयं ठग गए हो, वो तुम स्वयं ठग गए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, बोले देखो कभी भी गुरु और वैष्णव को ठगने की इच्छा मत किया करो, ठाकुर जी को ठगने की इच्छा क्या मत करो। अगर ठाकुर जी को ठगने के लिए जाओगे ना, तुम स्वयं ठग जाओगे, तुम स्वयं ठग जाओगे, उनको ठग नहीं सकते हो, तुम स्वयं ठग जाओगे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं गुरु जी की चरण में निष्कपट रूप में उनकी सेवा करनी चाहिए, निष्कपट होकर के हृदय में एक और बाहर में जो एक नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी अंतर और बाहर दोनों एक होनी चाहिए, नहीं तो तुम स्वयं ठग जाओगे, ठाकुर जी को गुरु जी को तुम ठग नहीं सकते हो। इसलिए निष्कपट होकर के गुरु जी की सेवा करो। तब हमारे गुरुदेव ने उनका जो अंतिम उपदेश है, महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को जो उपदेश दिया था जिसको रूप शिक्षा कहते हैं, वो रूप शिक्षा गुरुदेव का जो अंतिम शिक्षा, ये रूप गोस्वामी का शिक्षा दिया है, रूप शिक्षा महाप्रभु रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दिया है, उसमें कैसे एक साधक कैसे गुरु जी के शरण में जाता है, गुरुदेव कैसे उसको मंत्र प्रदान करते हैं, कहते वो मंत्र कैसे एक बीज का काम करता है, हृदय में बो दिया। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी सावधान से उसमें पानी देना पड़ेगा, पानी, गुरुदेव तो मंत्र दे दिया, गुरुदेव तो मंत्र दे दिया, अब इसको पानी देने का काम हमारी है, हैं? इसलिए अगर कोई सोचे अरे गुरु जी से मंत्र ले गया हो गया हमारी उधार, गुरु जी से हरिनाम ले लिया मंत्र ले गया हो गया, बोले नहीं है। जैसे उदाहरण दिया, जैसे आप कहीं जाने के लिए कोई टिकट बनाई, लेकिन अगर टिकट को अगर पकेट में रखोगे क्या आप पहुंच जाओगे? पहुंच जाओगे नहीं, तुमको रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, नहीं तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, बोर्डिंग कार्ड लेना पड़ेगा, अपना है अपना जो टिकट का जो नंबर वहां बैठोगे, फिर तो प्लेन नहीं तो ट्रेन आपको जगह पर पहुंचाएगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं, उसी तरह गुरु जी से तो हरिनाम मंत्र ले लिया, अभी हम हो गए के माली,
अभी हमें सावधान पूर्वक अभी हमें श्रवण कीर्तन रूपी पानी को द्वारा हमें सिंचन करना पड़ेगा, उसमें पानी देना पड़ेगा हमें। पानी देने पर क्या होगा, फिर भक्ति लता धीरे 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 बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, देखो गुरुदेव कहते हैं, बोले देखो अगर बीच में कभी कभी ये होता है ना, जैसे वृक्ष हुआ, कभी बकरी गई आकर खा जाते हैं, उसको बाहर देना पड़ेगा, घेराव करना पड़ेगा। बोले घेराव किया, बोले साधु संघ में रहो, साधु संघ में रहो, असत संघ नहीं करनी चाहिए। असत संघ करोगे तो तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। सत्संग में हर समय सत्संग में रहा करो, फिर धीरे धीरे भक्ति लता बढ़ते बढ़ते एक दिन ये ब्रह्मांड को भेद करेगा, फिर वैकुंठ को भेद करेगा, फिर भेद करेगा वैकुंठ अयोध्या द्वारका, बाद में गोलोक वृंदावन में जाकर के ये भक्ति लता राधा कृष्ण का चरणों को आश्रय ग्रहण करेगा। फिर तो भक्ति का जो फल है, जिसमें छिलका भी नहीं, जिसमें गुठली भी नहीं, जिसमें केवल रसी रस है, बस फिर तो रस को पान करते रहो। इसलिए गुरुदेव ने लास्ट रूप शिक्षा को प्रदान की है, बोले कोई हमारा अंदर में भक्ति करते समय कोई अन्याभिलाष नहीं रहनी चाहिए, भक्ति की सिवाय और कोई इच्छा हमारे हृदय में नहीं रहनी चाहिए है। और गुरुदेव कहते हैं, बोले देखो साधन करते समय एक चीज की सतर्कता रहो, साधन करते समय एक चीज की सतर्कता रहो। बोले किस चीज की, बोले वैष्णव अपराध और गुरु अवज्ञा है। वैष्णव अपराध, गुरु अवज्ञा, ये दो चीज की बड़ी सतर्कता रहनी चाहिए है। अगर वैष्णव अपराध हो गया, गुरु अवज्ञा हो गई, पर भक्ति तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। ये एक मतवाला हाथी जैसे, जैसे हाथी पूरा लता की जड़ समेत उखाड़ करके फेंक देती है, तो उसी तरह अगर किसी वैष्णव चरण में अपराध हो गई, अगर गुरु चरण में अवज्ञा हो गई, तो ये भक्ति लता को ये पूरा के पूरा उखाड़ करके भक्ति लता को ये फेंक डालती है, हाँ? ये फेंक डालती है। इसलिए हमें इसी विषय पर बड़े हमें सावधानी हो करके हमें साधन भजन करनी चाहिए। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम सुंदर कभी थे राजा, राम राम हरे। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।